कैसे भागता जा रहा पूरा। ये देखो सी बिल्लू भी काम में लगा हुआ है। ये रहा एक छोटा सा, ये देखो गिलहरी भी क्या क्या खाती रहती है बेचारों के पास में खाने के लिए। देखो ना नहीं बच्चे क्या खा रहा तू, तो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी अभी पैदा हुए हैं। और देखिए काफी सारे हैं यार, देखो इनको खाज हो जाती है जब, तो ये क्या करते हैं? ये देखो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बच्चे अभी भी आए हैं नए नए, और आते ही ये अपनी छोटी मोटी हरकतों में लगे रहते हैं। तभी मेरी नज़र एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई पे पड़ी जो कि पास ही फ्लावर के ऊपर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी शूट खेल लिया जाए बीच में। तो इस तरह की फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि बटरफ्लाई पास नहीं आती जल्दी से, और काफी मुश्किल होता है इन्हें शूट करना। इधर हमारे छोटे फ्रेंड यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी जड़ी बूटियाँ खाने। बारिश या ठंडी के मौसम में जब भी इनको खाज होने लगती है तो ये अपना गिलाज खुद ही करने निकल पड़ते हैं, और इस तरीके से पास में उग रही घास में से ही जो है अपना इलाज करते हैं। यहाँ मेरी नज़र पड़ी एक इंडियन डॉग पे जो सन बाथ ले रही है, और यहाँ हमारे दूसरे नन्हे दोस्त लगे हुए हैं छुपकर खा रहे हैं नीचे। बहुत ही छोटा और सबसे फुर्तीला, देखिए किस कदर ये इसको पकड़ लेता है, इसमें से जो ऊपर टॉप में बीज बीज से लगते हैं वो ये खा लेता है। जैसा कि आजकल दिवाली का माहौल है इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे चला रहे हैं, लेकिन ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हो जाता है, उन्हें बेचारों को बच के भागना पड़ता है इन सबसे। तो यहीं पर हमको मिलता है खास मौका इनकी फोटोग्राफी करने का। देखिए दोस्तों कैसे ये दो पैर पे खड़ा हुआ है बड़े आराम से, और ऊपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो है पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर तक खड़े होकर पहुंचने की। ज्यादातर दिन में इनका टाइम भागते हुए खेलते हुए और खाते हुए ही निकलता है, और ऑफ कोर्स धूप में ये अपने आप को सेकते भी रहते हैं बीच बीच में। सनलाइट इनको बहुत पसंद है। फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, और आई एम श्योर ये आपको भी बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये है ही इतने क्यूट और मासूम से दिखने में, और जिस तरह से हरकतें करते हैं तो बहुत
और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। और जो हमारे लिए सिर्फ घास ही है वह इनके लिए काफ़ी मेडिसिनल काम करती है और इनकी खारिश भी इससे कम हो जाती है काफ़ी हद तक। तो अपनी हेल्थ का ये खुद ही ख्याल कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से खा करके ये अपनी खुद ही मलम पट्टी कर लेते हैं। संकेत मिलने पर ये भाग जाते हैं। ये बर्ड्स और दूसरों की आवाज़ें सुन लेते हैं। इंडियन डव भी अपनी जगह से हिली गई इसी चक्कर में कि शायद कोई बिल्ली या कोई उड़ने वाली बर्ड जो है इनका इंतजार कर रही है कहीं पर। और हमारे नन्हे दोस्त की दिनचर्या ऐसे ही चलती रहेगी। और देखिए ये इतने फुर्तीले होते हैं कि शाम तक ये लोग एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं कुछ कुछ देर बाद, और फिर पहुंच जाते हैं धूप का आनंद लेने के लिए। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मेरे साथ में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। हैव अ ग्रेट डे। Thank you for watching. Bye-bye.